इन नेक्स्ट साइड न्यूज़। मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम सीरियल स्यापा में। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं आप सबके मोस्ट अवेटेड सीरियल के बारे में, जो काफी ही ज्यादा उस सीरियल में स्यापा चल रहा होता है। तो बताते हैं आपको कि आज हम यहाँ बात करेंगे आप सबके फेवरेट सीरियल और कलर्स टीवी के मोस्ट अवेटेड सीरियल बेपनाह की। बेपनाह जो काफी ही ज्यादा इस वक्त अच्छा चल रहा है, या फिर यू कहें कि उस सीरियल में काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले दिनों जोया को ये पता लग गया है कि किस तरह से उनका पति यानी यश उन्हें धोखा दे रहा था, और साथ ही साथ उनके हाथ में डिवोर्स पेपर भी लग गए, जिसके बाद वो तुरंत ही पहुंच जाती हैं आदित्य हुडा के घर। वहां पर क्या ड्रामा होता है आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आने वाले दिन यानी आज के दिन क्या होने वाला है बेहद खास। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बेपनाह खूब सारा ड्रामा तो आप सभी इन दिनों देख ही पा रहे होंगे। तो वहीं आपको रूबरू करवाते हैं कि अब तक के इस एपिसोड में क्या कुछ बीत चुका है। आपको बता दें, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से जोया के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि किस तरह से यश उनको डाइवोर्स देने वाला है। जब ये सच्चाई जोया के सामने आती है तो जोया इस सच्चाई को बिल्कुल भी अपना नहीं पाती। जोया फौरन ही आदित्य के घर पहुंच जाती है, वो भी डाइवोर्स पेपर को लेकर। अगर जोया को जब वहां पता चलता है कि डाइवोर्स पेपर आदित्य हुडा के हाथ में भी है तो वो देखकर चौंक जाती है। इतना बड़ा ट्विस्ट आया इस सीरियल में कि जोया इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब भी उसको यही लगता है कि शायद उसका पति बिल्कुल बेकसूर है। मगर जब आदित्य हुडा इस बात से उसको रूबरू करवाता है कि नहीं, सही में उसका पति उसे धोखा दे रहा है, तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और एकदम से जोया अपने आप में ही टूट जाती है और फैसला ले लेती है कि वो अपनी जिंदगी को यहाँ पर खत्म कर लेगी। जोया पहले तो आदित्य हुडा से काफी लड़ती दिखाई देती है, फिर वहीं आदित्य अपने भाई की मदद से उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये डाइवोर्स पेपर जो हैं वो बिल्कुल सही है। उसके बाद जब उसका भाई इस बात को जोया के सामने कहता है कि हाँ ये डाइवोर्स पेपर बिल्कुल सही है, तो वहीं पर ही जोया गिर सी जाती है। तब अचानक से जोया दोनों डाइवोर्स पेपर को देखती है और आदित्य को कहती है कि तुम्हारी पत्नी पूजा ने तो इस पर साइन ही नहीं किए। इतना सुनते ही आदित्य वो पेपर उसके हाथ से छीन लेता है और वो कहती है कि मेरा पति ही मुझे धोखा दे रहा था, मेरे पति ने इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रखे हैं। तब इतने में जोया बिल्कुल टूट जाती है और वो आदित्य के घर से खाली हाथ पेपर लेकर निकल जाती है। इतने में आदित्य को काफी बुरा लगता है और वो जोया के पीछे जाता है। तब वो देखता है कि जोया जो है वो सड़क पर ही मानो एक परछाई से बातें कर रही होती है। बातों बातों में जोया का साफ प्यार और गुस्सा जाहिर हो रहा होता है। इतने में जोया अचानक से अपने हाथ के रिंग को फेंक देती है जो उसके पति यश ने उसे पहनाई होती है। इतने में आदित्य जब उसके पीछे जाता है तब पता लगता है, और वो रिंग को उठाता है तो उसे पता लगता है कि ये रिंग में पूजा का नाम होता है। काफी ही बड़ा इस सीरियल में ये ट्विस्ट आ गया है कि जो रिंग जोया ने पहनी है उस रिंग में पूजा का नाम लिखा है।
इतना होते ही जोया जो है वो वहां से चली जाती है और चुपचाप अपने घर पर वापस लौट आती है। तो वेल, आपने देखा कि किस तरह से जोया जो है वो काफी ही ज्यादा अपसेट हो गई है। और जब वो आदित्य के घर डाइवोर्स पेपर लेके पहुंचती है तो मानो वहां बेहद ही ड्रामा हो जाता है। देखा आपने कि किस तरह से जब जोया आदित्य के घर पहुंची डाइवोर्स पेपर लेके, तो तभी आदित्य के हाथ में भी डाइवोर्स पेपर होता है। जब उनको ये सच्चाई पता लगती है और आदित्य ये बताता है कि हाँ, मेरी पत्नी ने भी मुझे डाइवोर्स दिया और तुम्हारे पति ने भी, तो मानो जोया तो बिल्कुल टूट सी जाती है। आपने देखा कि किस तरह से जोया के डाइवोर्स पेपर में उसके पति यश तो साइन कर देते हैं, मगर वही एक अजीब सा ट्विस्ट भी यहाँ पर है, जहाँ जोया के डाइवोर्स पेपर पे तो यश ने साइन कर दिए, मगर वही आदित्य के पेपर पर पूजा के साइन नहीं होते। आपको बता दें कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जोया जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब उन्हें पता लगता है कि मेरे पति ने तो साइन कर दिया, मगर पूजा ने साइन नहीं किया और सही में मुझे यश धोखा दे रहे थे, तो आज वो अपनी नस काट लेंगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, आज जोया अपनी नस काट लेगी, जिसके बाद आदित्य हुडा उन्हें फटाफट हॉस्पिटल लेके जाएंगे। काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न आने वाला है आप सबके फेवरेट प्रोग्राम बेपनाह में। आप देखेंगे कि किस तरह से आज जो है आदित्य जोया को हॉस्पिटल लेके जाएगा, या फिर यूं कहे चलो कुछ भी हुआ, मगर इन दोनों की नजदीकियां अब से शुरू हो जाएंगी। और बेहद ही प्यारे अंदाज में आज जोया आदित्य को थैंक यू बोलेगी। देखिए हमारा ये प्रोग्राम कि किस तरह से आज जो है जोया जो है उनको थैंक यू बोलती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बेपनाह में आज रात काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी चौक से जाएंगे। और आज का ये एपिसोड बेहद ही ज्यादा दिलचस्प भी होने वाला है। दरअसल आपने देखा कि किस तरह से जोया के सामने सारी सच्चाई आ गई और डाइवोर्स पेपर उसके हाथ लग जाते हैं। आज जोया हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जहां पर आदित्य हुडा उसके साथ नजर आएंगे। दरअसल जोया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसके पति यश उसे धोखा दे रहे थे। इतने में जोया अपने घर पहुंचती है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। लॉक करते ही जोया काफी ही ज्यादा यहाँ डिप्रेस भी दिखाई दी, तो वहीं आज आप देखेंगे कि किस तरह से जोया ने अपने हाथ की नस काट ली और अचानक से आदित्य उनके घर आ जाते हैं। तब आदित्य जोया को गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर उसको एडमिट कराते हैं। जब जोया को होश आएगा, आप देखेंगे कि किस तरह से जोया बेहद ही प्यारे तरीके से आज आदित्य हुडा को पहली बार थैंक यू बोलती है। और काफी बड़ा ट्विस्ट भी इस सीरियल में देखने को मिलेगा कि किस तरह से आज से ही जोया और आदित्य की जिंदगी में काफी ही नजदीकियां आ जाएंगी। जब जोया बेड पर लेटी होती है, तब आदित्य उसे बेहद ही प्यारे तरीके से देखता है, और जैसे ही जोया को होश आने लगेगा, आप देखेंगे कि वो आदित्य का हाथ थाम लेती है और उसे थैंक यू तक कह देती है। भले जो भी हुआ हो, जिस भी तरह हुआ हो, मगर आज का ये एपिसोड देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आज से ही जोया और आदित्य की नज़दीकियाँ, या फिर यूँ कहें इन दोनों के दिल में प्यार भी फूटने लगेगा। और क्या कुछ खास होगा आज के सीरियल में आप देखेंगे आज के एपिसोड में। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज का ये एपिसोड बेहद ही ज़्यादा नए टर्न्स लेकर आएगा और साथ ही साथ काफ़ी ही दिलचस्प भी होगा।
वेल वेल वेल, आपने देख ही लिया कि आखिर बेपनाह में काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। और देखा आपने कि किस तरह से जोया मैडम ने अपने हाथ की नस काट ली, और उसके बाद जहां पूरा परिवार घबरा जाता है तो वहीं फटाफट आ जाता है आदित्य और उठा के उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। अब लग रहा है कि इस सीरियल में काफी बड़ा एक धमाका भी होने वाला है, क्योंकि आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम में कि किस तरह से आदित्य के हाथ जो एक रिंग लगी है उसमें पूजा का नाम लिखा है। लिखा तो पूजा का नाम है, मगर आपने ये भी देखा वो रिंग थी जोया मैडम के हाथ में। अभी कुछ समझ नहीं आया है आदित्य को कि आखिर क्या पूरा मामला है। और आपने देखा कि किस तरह से जो जोया जो है वो उन्हें थैंक यू बोलती है। क्या कुछ खास होगा आज आप देखेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ क्या कुछ दिलचस्प भी होने वाला है जानेंगे आज आप इस एपिसोड में भी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल। टाटा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।